सो व्हाट इज एंड्रॉयड? ठीक है, तो बेसिकली सबको पता है मेनली क्या है, क्योंकि सबके पास फोन्स हैं, तो बेसिक चीज सबको पता है कि एंड्रॉयड इज बेसिकली एन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो सब यूज करते हैं. उस पर आप ऐप रन करते हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कुछ भी. ओके, तो बेसिकली है ये ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स कर्नल बेस्ड है. तो लिनक्स कर्नल एक ओपन सोर्स पूरा प्रोजेक्ट है लिनक्स का, उसी के ऊपर बिल्ट है. जैसे लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग यूज़ करते हैं उबंटू वगैरह, उसका कर्नल भी लिनक्स ही है, शायद पता होगा लोगों को. तो सेम चीज़ एंड्रॉयड है. एंड्रॉयड ने भी वही उसी पे अपना पूरा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया हुआ है. एंड बेसिकली ये एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ और सिर्फ स्मार्टफोन्स के लिए नहीं है, ये टैबलेट को भी पावर करता है. वॉचेज जो आपके वियर ओएस, जो बेसिकली आप चेक करते हो, जो स्मार्ट वॉचेज आते हैं उसमें वियर ओएस होता है, तो वियर ओएस भी बेसिकली एंड्रॉयड का ही पार्ट है. एंड देन टीवी में भी एंड्रॉयड टीवी आते हैं, एंड कार में जो नेविगेशंस वगैरह आते हैं आजकल, म्यूजिक सिस्टम वगैरह जो आते हैं उनमें भी एंड्रॉयड ही इंटीग्रेट होता है. तो बेसिकली 2008 में ऑफिशियली लॉन्च किया था गूगल ने इसका एक कमर्शियल वर्जन. उससे पहले बेसिकली एंड्रॉयड एक खुद कंपनी थी, अलग सेपरेट कंपनी थी, एंड्रॉयड इनकॉर्पोरेशन, उन्होंने बनाया था. बाद में गूगल ने उसको ओवरटेक किया था, तो उसके बाद इन्होंने कमर्शियल अपना जो वर्जन था, जो सब लोग यूज़ कर रहे हैं, पहला वर्जन वो 2008 में बनाया था. एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि असली में जब एंड्रॉयड बना था तो वो स्मार्टफोन्स के हिसाब का सोच के बना ही नहीं था, वो बेसिकली एक वॉच के लिए बनाया गया था. बाद में उसमें इटरेशंस इतनी होने लगी कि वो फिर स्मार्टफोन्स के लिए यूज़ होने लग गया. तो बेसिकली इट इज़ द बेस्ट सेलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट विद मोर देन 2 बिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स. ये बेसिकली डेटा है अगस्त 2020 का. तो सबसे ज़्यादा यूजर इसी के हैं. फिर इसके बाद जो 20% बचते हैं उसमें बेसिकली विंडो फोन्स जो अब बनने बंद हो चुके हैं, एंड देन आईओएस फोन्स हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट ही क्यों करना है? क्योंकि एंड्रॉयड तो चलो ठीक है, बहुत टाइप के डेवलपमेंट है, वेब डेवलपमेंट है, मोबाइल डेवलपमेंट में भी आईओएस भी है, एंड्रॉयड भी है. तो सबसे मेन चीज़ लेते हैं हम यूज़र बेस के हिसाब से चेक करते हैं. तो सबसे आगे जो इंटरनेट यूसेज, जो ट्रैफिक जो भी आपको नेट पे होता है, उसमें से 80% जो ट्रैफिक है वो स्मार्टफोन्स से ही आता है सबसे ज़्यादा. क्योंकि आप चेक कर सकते हो, नॉर्मल है कि सबसे ज़्यादा यूजर्स किसके हैं, व्हाट्सएप के हैं, फेसबुक के हैं, इंस्टाग्राम के हैं, ये सारे के सारे मोबाइल फर्स्ट एप्लीकेशंस हैं. तो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक अकेला बल्कि फेसबुक ही 80% मोबाइल ट्रैफिक को हैंडल करता है इस टाइम. तो उसमें भी 80% स्मार्टफोन से ही आता है सिर्फ. ओके, एंड सेकेंड इंटरेस्टिंग फैक्ट इज कि 80% ऑफ स्मार्टफोन्स में भी एंड्रॉयड ओएस है, बाकी 20% में आईओएस आता है और दूसरे टाइप के स्मार्टफोन्स आते हैं. और जो अभी आप लोग चेक कर रहे हो, मतलब ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो एंड्रॉयड का जो कोड है, AOSP, अगर आप सर्च करो एंड्रॉयड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट, ये सारा का सारा एंड्रॉयड का जो कोड है ये ओपन सोर्स है गिटहब पे. तो बेसिकली कोई भी आप में से कोई भी समझ सकता है उसमें कि कैसे काम कर रहा है. जो कस्टम रोम्स होते हैं, कस्टम रोम्स फॉर एग्जाम्पल, किसी को पता हो कि वन प्लस जो है, वन प्लस के अंदर ऑक्सीजन ओएस लिखा आता है, किसी ने अगर यूज़ करता हो, कोई वन प्लस यूज़र हो यहाँ पे, या फिर ओप्पो यूज़र हो, तो उनके कलर ओएस होते हैं. तो ये सारे कस्टम रोम्स हैं. तो इसलिए बेसिकली क्या करते हैं कि एंड्रॉयड का ही जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है उसी के ऊपर अपनी फंक्शनैलिटी कुछ एडअप करके अपने फोन्स में वो लॉन्च कर देते हैं. तो बेसिकली है सब कुछ एंड्रॉयड ही. ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. हाँ, तो बेसिकली अब हम सोचते हैं कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट तो ठीक है, लेकिन होगी कैसे, करनी कैसी है? तो इसके मेनली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन कौन से हैं? तो शायद सुना होगा लोगों ने कि मैक्सिमम तो जावा, शायद सुना होगा बहुत लोगों ने कि जावा लैंग्वेज होती है. एक जावा भी लैंग्वेज है, लेकिन वो बहुत पुरानी हो चुकी है, काफ़ी टाइम हो चुका है उसको लॉन्च हुए, सब कुछ वो काफ़ी टाइम से यूज़ हो भी रही थी, अभी भी होती है लीगसी कोड्स में. लेकिन 2019 के बाद से कॉटलिन को ही ऑफिशियल लैंग्वेज अडेप्ट कर लिया है गूगल ने फॉर एंड्रॉयड डेवलपमेंट. क्योंकि ये जो कॉटलिन जो लैंग्वेज है, ये जेट ब्रेन्स और गूगल ने मिलके ही बनाई थी, सिर्फ और सिर्फ मेनली एंड्रॉयड को टारगेट करके कि हमें एंड्रॉयड में डेवलपमेंट करनी है तो हमें और क्या क्या फीचर्स होने चाहिए नए नए लैंग्वेजेस के. तो जब ये बन रही थी तो उस टाइम उससे पहले जितने भी लैंग्वेजेस आ चुकी हैं उन सबके जो अच्छे अच्छे फीचर्स थे, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि रिएक्टिव प्रोग्रामिंग होती है, तो जो जावा में होता है उसमें आरएक्स जावा होती है, रिएक्टिव जावा. तो रिएक्टिव जावा को यूज़ करते हैं हम रिएक्टिव प्रोग्रामिंग के लिए. उसकी अलग लाइब्रेरी है, पूरा पैकेज अलग है. अगर जावास्क्रिप्ट में देखो रिएक्टिव का, तो RxJS होता है, सब कुछ अलग है. गो लैंग्वेज में अगर आप देखो तो को रूटीन्स होते हैं, तो वो गो रूटीन्स होते हैं, उनके अपना पैकेज है. लेकिन यही सब चीज़ कॉटलिन ने एक जगह रख दी है, उसने हर जगह से अच्छी अच्छी चीज़ें उठाई और सारी की सारी कॉटलिन लैंग्वेज में डाल दी है. तो रिएक्टिव प्रोग्रामिंग के लिए जैसे कॉटलिन में फ्लोज है, उसके बाद आपका असिंक्रोनस टास्क वगैरह के लिए को रूटीन्स है, ये सब लैंग्वेज का ही पार्ट है, अलग से आपको पैकेजेस नहीं डालने हैं. तो ये बहुत अच्छे से वेल प्लानड
प्लान लैंग्वेज है कॉटलिन, काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे फीचर्स हैं इसके अंदर, काफ़ी कंसाइज है, मतलब आपको ज़्यादा बॉयलर प्लेट कोड नहीं लिखना पड़ता, ज़्यादा बे मतलब का कोड जो पहले जावा में होता था। तो अगर कोई जावा से कॉटलिन में आएगा तो उसे देखेगा कि कोड कितना कम हो गया, क्योंकि कोड बेस आपका अपने आप ही कम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा फंक्शन कॉटलिन हमको देता है। और एक सबसे बड़ी फीचर जो कॉटलिन लैंग्वेज का है कि ये नल सेफ है। नल सेफ बेसिकली कि अगर कोई यूज़ करता हो तुम आप में से जावा, तो शायद देखा होगा कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन बहुत आते हैं, कहीं ना कहीं इशू आ जाता है। तो कॉटलिन को उस हिसाब से भी बनाया गया कि कभी भी नल सेफ्टी हमेशा उसके हैंडल्ड हो, तो उस हिसाब से लैंग्वेज को डिज़ाइन किया गया। एंड इस टाइम क्या हुआ कि जो भी टॉप 1000 एप्स हैं प्ले स्टोर पे, उसमें से 70% एप्स इस टाइम कॉटलिन में ही डेवलप हो चुके हैं, और जो अभी जो नहीं डेवलप हुए हैं उनमें से भी काफ़ी ज़्यादा कोड जो है वो अब शिफ्ट कर रहे हैं, जावा से कॉटलिन में शिफ्ट कर रहे हैं। और एक और चीज़ मैं बताना चाहता था कि जावा और कॉटलिन इंटरऑपरेबल लैंग्वेजेस हैं, फॉर मतलब कि कॉटलिन इज बेसिकली जावा ओनली, मतलब उसी का एक ज़्यादा बेटर वे है, रैपर है उसके ऊपर, जावा के ऊपर कॉटलिन, उसी के उसका बाइट कोड और जावा का बाइट कोड दोनों सेम ही होता है, कंपाइल टाइम में सब कुछ सेम, कुछ सब कुछ अंदर से सेम ही है उसका। तो बेसिकली कॉटलिन एक उसके ऊपर आप कह सकते हो स्टेरॉइड्स है जावा के ऊपर, वही है बस कॉटलिन। उसके अंदर एक्स्ट्रा फीचर्स डाले गए हैं, काफ़ी स्मूथ लैंग्वेज कर दी गई है, सीखने के लिए बहुत अच्छी है, जल्दी है, वो फास्टर डेवलपमेंट दे रही है, और इस टाइम मल्टी प्लेटफॉर्म वगैरह भी चीज़ें आ रही हैं। मल्टी प्लेटफॉर्म से आप समझ सकते हैं कि आप कोई कोड करेंगे तो वो चीज़ आप iOS डेवलपमेंट में भी, वो लाइब्रेरी जो कॉटलिन में लिखी गई है वो आप iOS ऐप में भी यूज़ कर सकते हो। तो ये चीज़ें भी कॉटलिन इस टाइम सपोर्ट कर रहा है। तो कॉटलिन काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग लैंग्वेज है इस टाइम, तो बहुत अच्छी लैंग्वेज अगर आप पढ़ोगे तो। एंड इस टाइम जो मैक्सिमम जो एंड्रॉइड डेवलपर्स हैं 60% से ज़्यादा इस टाइम कॉटलिन पे शिफ्ट हो चुके हैं, और उसमें नया नया रोज अपडेट आता है कॉटलिन में, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड होते जा रहे हैं, बहुत अच्छी लैंग्वेज है। सो ये जो जो स्टडी जैम है ये बेसिकली उसी के लिए आपको गाइड करने के लिए है। सो नेक्स्ट वत्सल विल बी स्पीकिंग, थैंक यू। हेलो एवरीवन, एम आई ऑडिबल? या थैंक यू। सो माय नेम इज वत्सल केसरवानी एंड आई एम अ थर्ड ईयर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट एट JSS अकेडमी टेक्निकल एजुकेशन नोएडा, एंड आई एम एन एंड्रॉयड डेवलपर एट DSC। सो आई विल बी टेलिंग यू अबाउट व्हाट एंड्रॉयड स्टडी जैम इज। ओके, so basically what is Android Study Jam? So Android Study Jam are community organized study groups for people to learn how to build Android app using an online training course. So ये पहली बार हो रहा है कि Google Android ने start किया है एक training session for developing Android app, and basically यहाँ focus किया जा रहा है कि सब चीज Kotlin से code हो, and काफी organized way में आपको beginner to एक्सपीरियंस सेशन तक ले जाया जाएगा, आपको एंड्रॉइड कोडिंग सिखाई जाएगी इस पे। सो इसको स्टार्ट करने के लिए आपको पहले एक डेवलपर प्रोफाइल बनानी पड़ेगी google.dev, उस पे जाके, एंड देन आफ्टर क्रिएटिंग योर प्रोफाइल यू विल बी स्टार्ट सेटअप फॉर दिस थिंग। देन व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू चूज अ ट्रैक फॉर योर कम्युनिटी, ठीक है? एंड लाइक इफ यू हैव नो प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ यूजिंग कॉटलिन देन यू कैन स्टार्ट विद न्यू टू प्रोग्रामिंग पार्ट ट्रैक, एंड इफ यू हैव प्रायर एक्सपीरियंस इन कोडिंग विद एंड्रॉइड एंड कॉटलिन देन यू कैन स्टार्ट विद दिस ट्रैक। ओके, सो नाउ विल टेलिंग यू अबाउट मोर अबाउट दीज ट्रैक्स। सो पहले ये बता देते हैं कि ये जो एंड्रॉइड स्टडी जैम हो रहा है ये इसका ड्यूरेशन क्या है। सो ये 2 मंथ का होने वाला है, जो 25 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है, एंड ये चाह रहा है हमारा 25 जनवरी तक का। एंड इसके बीच में DSC JSS हम लोग की काफी इवेंट्स करवाने वाली है, एंड काफी अच्छे इवेंट्स होने वाले हैं, एंड कुछ कुछ अच्छी चीजें भी स्वैग में मिल सकती हैं इस पे, एंड आपको इसको कंप्लीट करने पे गूगल एंड्रॉइड की तरफ से सर्टिफिकेट भी मिलेंगे। सो सबसे पहले ट्रैक पे है न्यू टू प्रोग्रामिंग ट्रैक। सो इसमें हम बेसिक कॉटलिन के बारे में एप्स को बिल्ड किया जाएगा। सो बेसिकली इनकी प्री रिक्वेस्ट रहेगी कि आपको कंप्यूटर लिटरेसी हो एंड बेसिक मैथ स्किल्स आपकी आती हो, एंड
इसके अलावा इनका कुछ भी नहीं है. सो बेसिकली कॉटलिन सबसे पहले जरूरी होती है. सो बेसिकली अभी आप अगर एंड्रॉयड स्टार्ट किए हो या फिर नहीं किए हो, तो जावा पे अगर आप कोड करते हो तो आपको सबसे पहले कॉटलिन सीखनी पड़ेगी. एंड उसके बाद आप डायरेक्ट प्रायर प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस को यूज ट्रैक को फॉलो कर सकते हो अगर आपको जावा से पहले आप अपने बनाए हैं और या फिर कॉटलिन से नहीं किए हैं, तो आपको यहाँ पे न्यू प्रोग्रामिंग ट्रैक फॉलो करना होगा. देन इस ट्रैक पे आपको क्या मिलता है मैं दिखा देता हूँ. एंड्रॉइड बेसिक एंड कॉटलिन आएगा. देन उस पे दो यूनिट्स होंगी, कॉटलिन बेसिक्स फॉर एंड्रॉइड जिसमें आपको चार बैजेस होंगे और चार ट्रैक होंगे, एंड दूसरा होगा लेआउट जिसमें आपके दो बैजेस होंगे और दो ट्रैक फॉलो वैसे करेंगे. स्क्रीन नहीं शेयर हो रही है, वेब ब्राउजर की सिर्फ और सिर्फ ओ पीपीटी दिख सॉरी. रही है। हाँ कूल cool. सो एंड्रॉइड बेसिक एंड कॉटलिन ट्रैक रहेगा. उस वाले में आप लोग को कॉटलिन बेसिक्स एंड एंड्रॉइड रहेंगे एंड चार बैजेस के बारे में रहेगा, इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं हम लोग. सो बेसिकली एंड्रॉइड बेसिक्स टू कॉटलिन रहेंगी, देन क्रिएट योर फर्स्ट ऐप यूजिंग एंड्रॉइड एंड बेसिक फॉर बेसिक लेआउट एंड देन एड अ बटन टू योर ऐप. बहुत बेसिक से एप्स होंगे जिनको सीख के आप बैजेस अर्न कर सकते हो अपने डेवलपर प्रोफाइल पे. एंड देन उसके बाद यूनिट टू आएगी आपकी, जिसपे आपको लेआउट्स के बारे में जानने को मिलेगा, मटेरियल डिजाइन गाइडलाइंस एंड सारी चीज इसमें बताई जाएंगी. और इस पे आप यूजर इनपुट ऐप बनाएंगे बेसिकली, और एक स्क्रोलेबल लिस्ट ऐप बनाएंगे जिसपे आपकी बेसिक्स कंप्लीट हो जाएंगी वाया कॉटलिन. सो ये ट्रैक कैसे चलने वाला है, तो जो एंड्रॉइड गूगल ने बनाया है इस ट्रैक को, उसको बनाने के लिए उन्होंने ध्यान दिया है कि सबसे पहले आपको कॉटलिन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए. सो इन ट्रैक्स को स्टार्ट करने से पहले आपको कॉटलिन की थोड़ी सी नॉलेज हो जानी चाहिए. तो उसके लिए यहाँ पे मटेरियल्स प्रोवाइड आपको हैं इन पाथ को, और कोड लैब्स अवेलेबल हैं गूगल पे जिनको आप फॉलो करके कॉटलिन की बेसिक को क्लियर कर सकते हैं. देन उसके बाद सेशन टू में हमारे ये फोर्थ पाथवे रहेगा जिसपे हम सारी चीज फॉलो करेंगे. देन एज उसका उसी का डीप थोड़ा सा था, तो इंट्रोडक्शन टू कॉटलिन रहेंगे, देन योर फर्स्ट एंड्रॉइड ऐप, देन बेसिक लेआउट एंड द बटन टू योर ऐप. सो आपके चार बैजेस रन हो जाएंगे और डेवलपर प्रोफाइल आपको दिखाता हूँ मैं. सो आपकी कुछ डेवलपर प्रोफाइल ऐसी क्रिएट हो जाएगी जिसपे आपके प्रोफाइल क्रिएट रहेगी, और ये बीटा वर्जन में जिसकी वजह से आपकी ये प्राइवेट रहेगी. और आपको ये एंड्रॉइड स्टडी जैम खत्म होने तक का आपको इसके स्क्रीनशॉट्स हमें भेजने होंगे जो आपके बैजेस को हमें दिखाएगा, एंड आपके बैजेस यहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे. नेक्स्ट थिंग, ये पहले वाले ट्रैक पे आपको टोटल 6 बैजेस होंगे और इनसे रिलेटेड पाथवेज को आपको गूगल की स्लाइड्स में आपको लिंक्स शेयर मिल जाएंगी. नेक्स्ट आपका जो ट्रैक है वो प्रायर प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस ट्रैक है जिसमें आपको का जो पहला ट्रैक है उनके सारी चीजों को कंप्लीट करने के बाद आप प्री रिक्विजिट्स को कंप्लीट कर लोगे और कॉटलिन के अच्छे एप्स को बनाने के लिए आप आगे बढ़ सकते हो. सो बेसिकली इसकी प्री रिक्विजिट्स अगर आप देखो तो आपको साफ साफ पता चल रहा है प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक कॉटलिन एंड जावा एंड और C++2, ठीक है, एंड फैमिलियर विद हाउ टू यूज एन आईडी, एंड्रॉइड स्टूडियो यूज करने से फैमिलियर होना चाहिए, एंड फैमिलियर विद गिटहब. सो बेसिकली गिटहब से ये इसलिए चाहते हैं बिकॉज आपको जब ये पढ़ाएंगे तो अपने कोड सैंपल शेयर करेंगे, तो अगर आप गिटहब से थोड़े से फेमिलियर होंगे तो आप उनके कोड शेयर जो बेसिक्स शेयर होंगे उनको आप यूज करके उस पर एडिट करके आगे बढ़ के उनको अच्छा कर सकते हैं आपको. सो इन्होंने फोकस किया है कॉटलिन को पहले ठीक करने के लिए पैरेलल प्रोग्रामिंग में यूजिंग कॉटलिन कोन्स. सो कॉटलिन कोन्स पे आप जाके ये साइट खुल जाएगी, आप यहाँ पे आओगे एंड स्टार्ट नाउ करोगे तो आपको यहाँ पे बेसिक से हेलो वर्ड्स के प्रोग्राम मिलेंगे जिनको आप यहाँ पे रन करके देख सकते हो एंड वो आपको बता देंगे. सो बेसिकली आप यहाँ पे कॉटलिन की प्रैक्टिस कर सकते हो कॉटलिन कोन्स यूज करके, और आपको अच्छे लेवल तक का क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिनको आप फॉलो करके कॉटलिन को की अंडरस्टैंडिंग को आप मजबूत कर सकते हो. आफ्टर कंप्लीटिंग कॉटलिन कोन्स आप उसके आगे बढ़ सकते हो फंडामेंटल पे. सो बेसिकली सेशन 1 इसका इस वाले प्रायर प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस ट्रैक पे 2 सेशन में डिवाइड करता है गूगल. पहले में वो कॉटलिन को स्टार्ट करता है यूजिंग कॉटलिन कोन्स, एंड सेकेंडली इसको आप कर सकते हो एंड्रॉइड कॉटलिन फंडामेंटल्स की जो ट्रैक्स होंगे. और एक चीज और अच्छी चीज है कि एंड्रॉइड स्टूडियो या फिर आप इंटेलिजे के यूज करते हो तो उसमें एक प्लगइन रहती है कॉटलिन कोन्स की, उसको आप इंस्टॉल करके डायरेक्टली आप वहीं से कर सकते हो. आपको
या फिर अगर आप चाहो तो ये वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं। सेकेंडली, इसको इस ट्रैक को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे भी कुछ सब ट्रैक्स होंगे जिसपे आपको बैजेस मिलेंगे। सो कॉटलिन कोन्स के लिए आपको कोई बैच नहीं मिलेगा, बट हाँ, बिकॉज कॉटलिन कोन्स करने से आपको ये फायदा होगा कि आपकी कॉटलिन की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी एंड काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आप कोड जब देखोगे, पढ़ोगे और समझोगे, इम्प्लीमेंट करोगे, तो आपको आपकी बेसिक्स क्लियर रहेंगी। सो इसमें पहला आपका ट्रैक जिसके लिए आपको बैच मिलेगा वो है बिल्ड योर फर्स्ट ऐप, एंड ये हेलो वर्ल्ड ऐप होने वाला है। एंड सेकेंडली देन इंटरक्टिव ऐप होने वाला है, उसके बारे में पूरा ये इन्फॉर्मेशन रहेगा। सो और आपको सबसे अच्छी चीज ये है कि आप कोई भी चीज सीखते हो किसी ट्रैक की, तो आपको उसका ड्यूरेशन पता है यहाँ पे। सो आप अपने अपनी एक्टिविटीज टाइम को सब सेट कर सकते हो और उस हिसाब से आप उस ट्रैक को ध्यान दे सकते हो उस टाइम के लिए। एंड देन लेआउट्स आएंगे, लेआउट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं एंड्रॉइड डेवलपर्स के लिए, हम उसको एक्सप्लेन करवा। देन नेविगेशन एंड एक्टिविटीज एंड फ्रेगमेंट साइकिल्स, आर्किटेक्चर कॉम्पोनेंट, डेटाबेस एंड रिसाइकलर। सो बेसिकली मोस्टली जितने भी अच्छे टॉपिक्स हैं उन सब में आपको 3 to 4 hours देने पड़ जाएंगे। एंड एंड्रॉइड का जो स्टार्ट करना है, सो सबसे बेसिकली उसमें बिल्ड एंड एवरीथिंग ये सब रहती है, तो उसमें हम लोग को थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि इनिशियली ये सब सेटअप और थोड़ी सी एरर्स आती है बिल्ड में। तो उन चीजों के लिए भी यहाँ पे हम लोग हैं, जिनसे आपको कोई भी डाउट्स आते हैं तो हम लोग क्या स्लैक चैनल या फिर किसी में भी आके हमसे डाउट क्लियर कर सकते हैं। सो मोस्टली एंड्रॉयड डेवलपर्स को इनिशियली अपने बिल्ड ग्रेडल्स पे ही एरर्स मिलेंगी और कुछ गलत तरीके से कोड होने पे ही मिलेगा या फिर सिंटैक्स एरर्स दिखेंगी। एंड आगे बढ़ते हैं, तो उसके बाद इस ट्रैक में काफी चीजें हैं, तो कनेक्ट टू द इंटरनेट भी रहेगा एंड देन रिपोजिटरी एंड वर्क मैनेजर डिजाइन फॉर एवरीवेयर। सो टोटल 10 बैजेस रहेंगे एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस 10 बैजेस आपको सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे। सो इसकी भी मैं दिखा देता हूँ। सो बेसिकली ये यूनिट 1 एंड 2 है जिसके आपको 10 बैजेस रहेंगे और इनकी आराम आपको लिंक सारी मिल जाएंगी, इस पर आप जाके ये टॉपिक्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं और कंप्लीट कर सकते हैं। सो आफ्टर डिसाइड ऑन अ ट्रैक, व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट? सो बेसिकली गूगल ने आप लोगों को समझाने के लिए बताया था कि कोई से भी ट्रैक आप चूज करते हो तो उस पर कैसे टाइम डिवोट कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। एंड आपको सारी ड्यूरेशन एक ट्रैक में कितना होने वाला है वो पता ही चल जा रहा है, तो उनके हिसाब से आप अपना वीकली अपना शेड्यूल बना सकते हो और एंड्रॉइड को तो टाइम दे सकते हो डे वाइज एंड कोर्स वाइज, आपको जैसे भी देना है। सो उस पर आपको काफी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट थिंग जो मैंने पर्क की बात की थी, तो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस प्रायर प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस ट्रैक जिसमें आपको 10 बैजेस मिलेंगे, उसका स्क्रीनशॉट आप हमें गूगल फॉर्म के थ्रू सेंड शेयर करेंगे तो उसको आपको आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। एंड बिकॉज ये 2 महीने चलने वाला है, सो हम लोग एज अ जितने भी एंड्रॉयड डेवलपर DSC से होने वाले हैं वो सारे आप लोग की मदद करने के लिए अवेलेबल रहेंगे पूरे ड्यूरेशन में। एंड सेकेंडली काफी सेशंस होने वाले हैं इनके इसी ड्यूरेशन में, DSC करवाएगा, जिसमें एक सेशन स्पीकर सेशन होना था जिसमें एंड्रॉयड कम्युनिटी के बहुत से एक्टिव डेवलपर्स आने वाले हैं, जो कि लाइक मिड ऑफ डिसम्बर में हम लोग ने सोच के रखा है। सो उसमें आपको काफी अच्छा रीच मिलेगा और काफी चीज जानने को मिलेगी एंड्रॉइड से रिलेटेड। एंड हमने कुछ क्विज टाइप की भी सोच के रखी है जिसमें आपको कुछ स्वैग्स एंड एवरीथिंग शेयर होंगी। एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू फॉलोइंग पाथवे आप म्यूट करके और चैट पे पूछ सकते हो। स्टडी एग्जाम्स रिलेटेड एनीथिंग? You have to log in with a personal email ID. Yeah, you can use your personal email ID, no issue. Yeah, he's allowed to join. No problem. The event has started on 25th November. There's system requirement for installing Android Studio, Anadi. So you have to see that. You have to refer the Android documentation, Android site. By the way, you should have at least 4 GB of RAM and i5 processor in your system. That's the minimum requirement for Android Studio.
No, there is no any prerequisite that the student who is going to participate should be belonging to any specific college. Anyone can participate. It's open to all. It's still open. You can all your friend can register it now also. Yeah. Should we move forward? Any other questions? Okay. Yeah, for getting a certificate from Google, you have to complete the prior knowledge track. So completing the prior knowledge track, you should go through. If you haven't any prior knowledge, no knowledge for programming with Android, you have to complete the basic one. Okay, we will share the link to you, Satyam. You can participate there, and everyone can participate from. Okay. So, any further questions? मतलब किसी भी टाइप के कैसे पढ़ना है इस टाइप के और क्या स्कोप है किसी को कोई पर्सनल डाउट हो? नो इट्स फ्री इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑल द कोर्सेज आर बेसिकली विल बी रिडायरेक्टेड टू यूडेसिटी व्हिच इज अ फ्री वेबसाइट सो इट्स फ्री ये बेसिकली कोई वैसे मैं बता दूं कि ब्लॉग्स नहीं होंगे ये सारे के सारे वीडियो ट्यूटोरियल्स होंगे वीडियो ट्यूटोरियल्स होंगे उसी के अंदर कुछ क्विजेज यूडेसिटी ही आपको प्रोवाइड करेगा और हमारी साइड से भी कुछ क्विजेज होंगे और हमारी कम्युनिटी भी एक्टिव रहेगी पूरी टाइम आपके डिस्कॉर्ड पे कोई भी अगर आपको डाउट सेशन हो या कुछ भी होगा तो यू कैन पिंग अस सर्टिफिकेट भी हेल्पफुल इन फ्यूचर इट्स करेंट बेसिकली सिद्धांत अभी ये बीटा प्रोफाइल में है बीटा में चल रहा है पूरा जो एंड्रॉयड ऐप का जो पूरा प्रोफाइल है तो अभी इस टाइम वी आर नॉट श्योर दैट इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन द फ्यूचर बट इट विल हेल्प यू टू लर्न बेसिकली ये बेसिकली आपको एक इंसेंटिव है आप सीखोगे आप बैच कलेक्ट करोगे इट विल फर्दर प्रमोट यू टू लर्न मोर सो दैट इज द होल पॉइंट ऑफ द बैजेस आई वॉन्ट टू नो अबाउट द स्कोप ऑफ कॉटलिन दो या कॉटलिन इस टाइम बेसिकली मेनली तो आप चेक करोगे तो एंड्रॉयड में ही यूज़ हो रहा है ओके एंड्रॉयड लैंग्वेज में एंड्रॉयड में ही यूज़ होता है लेकिन अभी उसके कुछ फीचर्स आ रहे हैं जैसे वो बैक एंड में भी यूज़ होने लग गया है इस टाइम कॉटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म जो है उसके थ्रू आप बैक एंड के प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हो उससे एज वेल एज अभी iOS के कुछ लाइब्रेरीज भी आप बना सकते हो सो ऑब्वियसली इट्स एक्सपेंडिंग इन एवरी डायरेक्शन You can learn whole Android. Nitin, not the whole obviously. Basically आपको ये basic guidance देगा कि कौन कौन से parts होते हैं main में कौन कौन से components होते हैं Android में क्या क्या चीज़ें requirements होती हैं whole आपको कहीं से भी नहीं मिलेगा कोई एक single जगह नहीं होती है तो आपको basic guidance मिल जाएंगे किस type के आप ऐप बना सकते हो मतलब intermediate level तक के आप ऐप बना सकते हो जिसमें जो भी आप यूज़ कर रहे हो इस टाइम वो आप बना सकते हो लेकिन उसमें कुछ कुछ चीज़ें होंगी जो और बेटर हो सकती हैं जो एडवांस डेवलपमेंट में आती हैं तो वो चीज़ें कवर नहीं होंगी इसको इन कोर्सेज में इंटरमीडिएट लेवल तक है अगर यार जावा आती है तो यार कॉटलिन सीखने में मैक्स टू मैक्स मैं कहूँगा 1 वीक बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं 1 वीक भी काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि मैक्सिमम सब कुछ सेम ही है कुछ कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी मतलब सिंटेक्स में हल्का सा चेंज है अदरवाइज सब कुछ सेम है जावा ही है फॉर फ्री गूगल डेवलपर अकाउंट मतलब समझा नहीं मैं प्ले स्टोर अकाउंट जहाँ से डेवलपर अपना प्रोडक्ट अपना लॉन्च कर सकता है या फिर कौन सा अकाउंट की बात हो रही है बात सर If you're talking about Google Developer profile account, it's free. You just need to sign in and it will be created. या दैट विल बी फ्री स्टडी जैम में जो भी चीज़ें हैं जितने रिसोर्सेज हैं जो भी आप यूज़ करने वाले हो वो सब फ्री है इसमें ऐसा कुछ भी कहीं भी पेड नहीं है एंड बहुत वास्ट रिसोर्स मिलने वाले हैं, तो काफी हेल्प हो जाएगी कुछ भी सीखने के लिए इनसे रिलेटेड, एंड्रॉइड से रिलेटेड.
Any further questions? Or we should move ahead. I guess we are done here. Okay, so Nakul and Dhruv, you can start your session now. Throw slides. Yeah. Visible? Not now. No. Are visible? Nope. Wait a second. Now? Yeah, it's visible. Yes, now it is visible. Okay, so hello everyone. My name is Nakul Sharma and I'm Android developer at DSC. I'm going to give you all a brief overview of Unit 1. Dhruv, next slide. Okay, so Unit 1 consists of four pathways. In the first pathway, hello Dhruv. Yeah. Next slide. Okay, sorry. In the first pathway, you are going to learn the basic fundamentals of Kotlin programming language. Next slide. And also you are going to run the Kotlin code that you have written in the Kotlin playground. It's a kind of online IDE for Kotlin. Next slide. In the second pathway, you are going to download and configure Android Studio and also the Android emulator. In the third pathway, you are going to learn how we can customize our user interface. And in the fourth pathway, you are going to learn how to create your own Android application. Okay, so now we are going to create, or rather see how we can create our own Android application. But before that, there are some terms that you should be aware of. Okay, Android components. So Android components are the basic building blocks of any Android application. There are four types of Android components: activities, services, broadcast receivers, and content providers. Next slide. Okay, activities. So basically you can think of activity as a, it provides us the window in which the app can create its UI. An app can have more than one activity. For example, if we are talking about a mailing app, then there can be one activity that displays all the mails that we have sent. Other could be to compose an email or something like that. Okay, next slide. Okay, services. Services are the component that run in the background to perform long running operations. For example, when you play music on a music player, you can obviously visit the other apps. The music is running in the background. Next slide. Broadcast receiver. Okay, so broadcast receiver is the component that receives and responds to the broadcast message that other applications send. For example, when you opt for OTP verification, there is an option that you must have seen: autofill from messages. So it is done using broadcast receiver only, but obviously it has certain permissions and restrictions due to which it will there is no risk of privacy loss. Next slide. Content providers. So for example, if your app has stored its data on internet or files or local database, so the function of content providers is to fetch the data and provide it to the application UI. Next slide. Okay, so what is user interface? Would anyone like to answer?
you can unmute your mic. Or just type in the chat section. Okay. Okay, so next slide. Let me tell you all. Okay, user interface is the part of your app with which the user interacts. Basically, it comprises of how your app looks and what are its functionalities, how the user is going to interact with it. Next slide. Activity. Okay, so activity is the window in which the app draws its UI, as we all have learned about it. Now, activity consists of a layout file. Layout file basically consists of the design of how our application is going to look like. And layouts are made up of views. Now, there can be different types of views. Next slide. Like a text view, which is used to display any text. The next is image view, which is used to display an image. Button, which on clicked executes a certain functionality. Okay, so whatever you all have listened till now, we are going to see how it is going to be done in the Android Studio. Okay, Dhruv, over to you. Okay. So is the screen visible to everyone? Yes, it's visible. Yeah, so I'm Dhruv. I'm an Android developer at DACGSS. And we're going to see how the things work in the Android Studios. Let's start with an activity. As Nakul told you, that activity consists of user interface that the user interacts with the device. So and now we're gonna see that how that activity is made. It's made up of layouts. There are different types of layout. Let me give you an example here. Constraint layouts, linear layouts, and many more. What these layouts does is they tell views in which order they're gonna, you know, be arranged in. Let's look at the first layout, is the linear layout. Now I have some text views here. These seven, and these are arranged in linear way. Like you can see here, I've set the orientation to the vertical. And now if I change the orientation to horizontal, they are arranged in a horizontal way. Like these are the attributes of these layouts. Now, we can change these text layouts, their sizes, to the attributes like this. Let's change it back. Now this one was the linear layout going to the grid layout. Now this layout, this helps us arrange the layouts in a grid or a table. You can see I have set the column count to 5, as you can see here. So the maximum number of views in a column can be 5. There are a total of 8 text views here, but there are only 5 in the first row. So that's all about these two layouts. Now we're going to move on to the next layout, that is constraint layout. Here the views are arranged in a relative to other views, we can say, this constraint layout. I have set an image view here, the picture that you can see in the background, a text view here, the one, happy birthday Sam, and a text view down here from Emma. These constraints have helped me to set this text view on the top left corner, and I've set the margin. Where is it? Yeah, I have set the margin from start and top, so that they are up at a little gap from the corner, because it won't look that good if they were at the corner. So, and for the other text view, I did the same for the last thing.
And for the image view, I've set the source to this Android party. It's the drawable, you can see here. It's a PNG image, and I've cropped it to fit the screen size. Now, if I run this application, pressing this button up here, run application, in the Android emulator, you can see that application. There's a gap here in the background and image, and there's a text view down here. But this application isn't interactive. Wait a second. There you go. But this application isn't interactive. Now let's look for an application that the rolls a dice. Here it is. Yeah, so let's go through its layout. It has constraint layout and a button view and an image view. Yeah, so they are placed in such way that the dice is placed above the roll button. And I have set a functionality to the roll button that whenever I click this button, the dice will show a random number like this. It's 5, now 3. Now there's 1. Now there's 5. Now how I did it, I'm going to tell you about that. So in the Kotlin file, in the .kt file Kotlin, I have set a function roll dice. And in activity, in the Android, I've set an attribute that on click, that roll device function will be called. And what this function does is that selects a random number from 1 to 6 and selects the image accordingly. There are 6 dice images, as you can see here, and it displays a random one. But now you see, if I comment this line out, it won't do anything. This line, it won't do anything. This button won't do anything. Let's play this again. You see, I'm pressing this button and it's not doing anything. So that's using this Kotlin file, you can make your app interactive. And this XML file is just for the visuals of the application. Well, does anyone have any doubt about that? Hello? Okay. They don't have any doubt right now. That's cool. Stop screen sharing then. So starting में एक टिप देता हूँ मैं कि स्टार्टिंग में क्या होता है जब भी कोई एंड्रॉयड डेवलपमेंट शुरू करता है तो दो तीन चीज़ें चेक करोगे आप लोग कि जब भी आप रन करोगे ऐप या बिल्ड करोगे तो टाइम ज़्यादा लग सकता है स्टार्ट मतलब डिपेंड करता है वो सिस्टम टू सिस्टम वेरी करेगा जितने आपके वो हैं तो उस टाइम बस गिव अप वाली चीज़ हो जाती है बहुत लोगों को तो लोग छोड़ने लग जाते हैं कि यार बहुत टाइम लग रहा है फ्रस्ट्रेटिंग हो रहा है छोड़ दो तो वही चीज़ होती है बस वो चीज़ अगर वो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में अगर आपने डील कर लिया उस चीज़ से तो इतना मुश्किल नहीं है डेवलपमेंट लर्निंग कर्व तो नॉर्मल रहता है जितना सब में होता है हर एक टाइप के डेवलपमेंट में एक लर्निंग कर्व रहते रहता है तो सेम लर्निंग कर्व यहाँ पे भी है बस यही एक डिसएडवांटेज जो लग सकता है लोगों को कि थोड़ा सा बिल्ड में टाइम लगता है तो उस वो फ्रस्ट्रेशन बस ओवरकम करना है आप लोगों को देन यू ऑल विल बी गुड टू गो ओके यू कैन कंटिन्यू द प्रेजेंटेशन It's over. Okay. So any doubt यार किसी को मतलब PPT से related हो या फिर Android जो शुरू करने जा रहा हो उसको कोई doubt हो या जो कर चुका हो तुम में से तो उसको अगर कोई doubt हो तो that's the good session. अभी बहुत ज़्यादा time है हमारे पास session आपके doubts clear कर सकता हूँ मैं. Scope से related doubt हो Android में किस type के job हैं या जो भी है किस type के आपके doubt हो मुझे पूछ सकते हैं हम लोगों से
सर वो आपने जो लिंक बताया था यहाँ पे जाके कोर्स स्टार्ट कर सकते हो, सर वो शेयर कर दीजिए एक बार। ये डिस्कॉर्ड लिंक अभी प्रगति ने शेयर किया, वहाँ पे अगर आप जाओगे तो वहाँ पे जनरल में हमने वो लिंक डाल रखा है, आई गेस वहाँ पे सब कुछ शेयर है ऑलरेडी। हाँ डिस्कॉर्ड पे सब कुछ शेयर है। Will I get the recording of this video? You will get the PPT and recording. Yeah, Pragati, can Pragati, can you share the recording? Pragati. Basically, ये सब वैसे record हो रहा है। हाँ, okay. तो यहाँ recording है, तो फिर we can share that. How many hours do we have to devote for this program? Yeah, वो depend करेगा तुम पे, क्योंकि देखो 2 months का है, okay? तो इसमें basically overview है, हर topic से related overview है, navigation आप करो या फिर services करो, इसमें जो work manager पढ़ोगे या connect to internet वाला जो आएगा आपका unit, तो हर चीज़ का overview है। तो basically क्या होगा कि आपको basic भी समझाएंगे, कुछ कुछ attributes बढ़ा देंगे course में, उसके बाद मेन ये होता है कि आप कितना खुद से सर्च करते हो। तो कुछ चीज़ें हो सकती हैं कुछ एट्रीब्यूट्स क्लियर ना हो, क्योंकि वो अच्छे से शायद वीडियो में एक्सप्लेन ना हो या मिस हो गया हो, या फिर आपको खुद से डाउट हो कि ये चीज़ हो कैसे रहा है। तो वो तुम पे डिपेंड करेगा कि तुम फिर सर्च करोगे कितने अच्छे से उसको समझना चाहते हो। तो स्टार्टिंग में ये हो जाता है कि जो सीख रहा होता है वो बेसिकली वीडियो के साथ साथ कोड करने बैठ जाता है, कि वीडियो चल रही साथ साथ वही देख देख के डायरेक्ट कोड कर रहा है, विच इज़ अ रॉन्ग प्रैक्टिस। क्योंकि उससे क्या होता है कि तुमने बस देख के लिख दिया, तुमने खुद से समझा नहीं। तुम्हें अगर 2-3 बाद तुम वापस से रिकॉल करोगे तुम प्रोबेबली सब कुछ भूल चुके हो। तो मेरे हिसाब से बेटर प्रैक्टिस है कि एक बार आप वीडियो देख लो सारे, मतलब एक आध वीडियो देख लिया आपने, सीख ली जितना था उसमें, उसके बाद वो जो चीज़ उसमें पढ़ाई है वो चीज़ सेम आप खुद से कोड करना शुरू कर दो। तो उसमें कुछ ना कुछ मिस होगा, सिंटेक्स भूलोगे, आपको कोई इशू नहीं है, सिंटेक्स भूलोगे आप सर्च करो गूगल सर्च करो, सिंटेक्स याद नहीं करने होते हैं पहली बात। तो डेवलपमेंट में याद रख लेना कि हर चीज़ का सिंटेक्स कैसे होगा या एग्जैक्टली क्या लाइन लिखनी होती है, वो सब कुछ याद करने का कोई मतलब नहीं होता है डेवलपमेंट में, किसी भी डेवलपमेंट, एंड्रॉइड की बात नहीं कर रहा हूँ सिर्फ। तो वो बेसिकली वो करते करते आता है, जितना आप करते रहोगे तो अपने आप कुछ कुछ आपको याद होती जाएंगी, और जो नहीं याद हो रही हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, सब लोग गूगल करते हैं, सब गूगल करते हैं, ठीक है, तो नॉर्मल है एकदम। तो वो चीज़ मत सोचना कि यार मेरे को याद नहीं हो रहा है, यार रिसाइकल भी नहीं बन पा रहा है मेरे से, एक महीना हो गया, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए दिमाग में, इतना मत लोड देना, ठीक है। तो वो तुम पे डिपेंड करता है या तुम कितना, लेकिन मेरे हिसाब से अगर 2 hours भी अगर आप दे रहे हो, 2-3 hours भी पर डे, तो मेरे हिसाब से कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका, काफ़ी आराम से हो जाएगा, अपने आप खुद से आप एक्सप्लोर करने का भी टाइम मिल जाएगा आपको बीच में। कोई और डाउट किसी को? आई गेस नहीं है शायद। तो या बेसिकली हम लोगों ने डिस्कॉर्ड पे हमारा चैनल हम लोगों ने क्रिएट कर रखा है, उसमें हम सारे लोग एक्टिव रहेंगे पूरे टाइम। तो कुछ भी किसी को डाउट हो तो अपना कोड स्क्रीन शेयर करके या जो भी वीडियो रिकॉर्ड करके या फिर नॉर्मल एक्सेप्शंस वगैरह जो हो आपके लॉग कैट में आएंगे तो उसे आप डायरेक्टली शेयर करके हमसे पूछ सकते हो। तो हम लोग ऑब्वियसली हम लोग सब एक्टिव रहेंगे, लेकिन एक चीज़ है कभी कभी अगर हम लोग बीच में मिस करते हैं, ना ही हो कोई एक्टिव बाय चांस, तो स्टैक ओवरफ्लो पे आपको मैं बता रहा हूँ बिगिनर लेवल के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। आप नॉर्मल एक गूगल सर्च भी करोगे तो आपको मैक्सिमम चीज़ों के आंसर मिल जाएंगे। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो हम तो हैं ही। आई गेस वी आर डन है बच्चे। चल लिंक फ्रॉम वेयर आई हैव टू अन द बैच। वो बेसिकली यार पीपीटी में सब कुछ शेयर्ड है, पीपीटी जब शेयर होगी तो उसमें सारे लिंक्स हैं ऑलरेडी एडिट, तो वहां से आप जा सकते हो सत्यम। एंड डिस्कॉर्ड पे भी डाल देंगे। हाँ डिस्कॉर्ड पे सब कुछ जाएगा ही, सारे सारे हम लोग जितने भी रिसोर्सेज वगैरह शेयर करेंगे सब डिस्कॉर्ड पे करेंगे, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लेना, उसमें रहना एक्टिव।
अच्छा मैक्सिमम लोग यहाँ पे कौन से ईयर के हैं? मेरे को मतलब बस ऐसी आई एम क्यूरियस कि सेकंड ईयर है थर्ड ईयर है मैक्सिमम यहाँ पे, सब अपने अपने ईयर लिख सकते हो, सेकंड सेकंड फर्स्ट ओके सेकंड फर्स्ट, अच्छा मतलब थर्ड के भी बहुत कम है, ठीक है ठीक है तो सही है यार। फर्स्ट ईयर से मैंने भी शुरू किया था, फर्स्ट ईयर फेब के एंड में, हाँ फेब के आसपास मैंने शुरू कर दिया था, तो अच्छा खासा टाइम है यार, लॉकडाउन का पीरियड है इस टाइम, ठीक है तो सब लोग पहले ही पढ़े घर पे, तो काफ़ी सही टाइम है कोई भी स्किल गेन करने का, 2-3 months आर इनफ टू बिकम एन इंटरमीडिएट एंड्रॉइड डेवलपर, ठीक है। कुछ चीज़ें मिस करोगे, कुछ चीज़ें नहीं हो पा रही होंगी, डाउट्स आते हैं, टाइम लगता है, फ्रस्ट्रेशन हर जगह होती है, वो हर डेवलपमेंट में होती है, थोड़ा टाइम लगता है बस हर चीज़ सीखने में, ठीक है, उसके बाद फिर सब कुछ स्मूथली होने लग जाता है, फिर तो मज़ा आता है। तो अच्छा अनुष्का ने पूछा है स्कोप ऑफ कॉटलिन इन द इंडस्ट्री, या स्कोप ऑफ कॉटलिन एग्जैक्टली आप नहीं पूछ सकते क्योंकि कॉटलिन बेसिकली इस टाइम अब सिर्फ और सिर्फ मेनली एंड्रॉयड में ही यूज़ हो रही है, तो स्कोप ऑफ एंड्रॉयड हो गया फिर एक तरीके से क्वेश्चन। तो आप एंड्रॉयड तो मैंने बता दिया कि एंड्रॉयड हर जगह यूज़ हो रहा है इस टाइम, सबसे ज़्यादा उसका यूज़र बेस बहुत ज़्यादा है, तो हर कंपनी के पास अपना खुद का एंड्रॉयड प्रोडक्ट होता है, कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होगी, तो अगर वो वेब पे है तो मोस्ट वैल्यू वो ऐप पे भी होगी, तो उनके ऐप डेवलपर्स उनको चाहिए ही, तो रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है, और कॉटलिन में ही सब कुछ इस टाइम एंड्रॉयड में कोड हो रहा है, जावा में बहुत रेयरली कोड होता है। और एक चीज़ है कि अगर तुम्हारे किसी के कोड बेस में जावा पड़ा हुआ है अब वो कॉटलिन में कोड करना चाहता है, तो उसे ज़रूरत नहीं है कि कॉटलिन जावा वाली फाइल कॉटलिन में चेंज ही कर दे पूरा, बट कॉटलिन और जावा इंटरऑपरेबल है, मतलब कि जावा के क्लास से आप कॉटलिन के किसी क्लास का कोई भी फंक्शन डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा क्योंकि दोनों का बाइट कोड सेम है। Any further doubts? So I guess we should wrap up. यही है पहले हो जाता है, ठीक है। So कोई किसी को कोई feedback कुछ मतलब लगा कि PPT में और ऐड हो सकता था या हम लोग कुछ और तरीके से हम present कर सकते थे same चीज़ को, तो या तो अभी आप बता सकते हो या फिर डिस्कॉर्ड पे आप सजेशन दे सकते हो हम लोगों को, ताकि हमें फर्दर में फर्दर जो सेशंस होने वाले हैं हम लोग प्लान कर रहे हैं अभी 2-3 sessions और, तो उसमें कुछ हम स्पीकर सेशंस भी सोच रहे हैं, स्पीकर सेशंस में बेसिकली जो इंडस्ट्री में जो वर्क कर रहे हैं इस टाइम ठीक ठाक कंपनीज में, अच्छी अच्छी कंपनीज में हो गए जो, और कम्युनिटी में भी एक्टिव है बहुत गूगल डेवलपर्स हैं, तो उनको हम लोग कॉन्टैक्ट कर रहे हैं बुलाने के लिए, ओके तो वो आपको बेसिकली किसी भी पर्टिकुलर कॉम्पोनेंट या किसी भी चीज़ पर टॉक देंगे, आपको गाइड करेंगे, आप उनसे डाउट अपने सेशन रखेंगे हम लोग, तो दैट्स द होल प्लान ऑफ दिस 2 months लॉन्ग स्टडी जैम, इट वॉज एन ओके ग्रेट यार सबको सही लगा, यही है यार लॉकडाउन में ऐसे ही होता है, ऐसे ही करना पड़ता है, सामने से होता तो ज़्यादा मज़ा आता, ठीक है तो लेट ओके चलो यार ख़त्म करते हैं हम इवेंट, ये वाला सेशन तो और ये वाला सेशन इज ऑलमोस्ट ओवर, ओके सो टेक केयर गाइज, कोई भी डाउट हो तो डिस्कॉर्ड पे हम लोग हैं एज यूजुअल, एंड यू कैन फॉलो DSC ऑन इंस्टाग्राम फॉर एनी फॉर फ्यूचर अपडेट्स, और हम में से भी सब लोग लिंक्डइन वगैरह पे हैं, या तो किसी से भी कनेक्ट होना हो तो लिंक्डइन या ट्विटर पे हम लोगों को सर्च कर सकते हो नॉर्मली, तो हम सारे मिल जाएंगे, ठीक है, थैंक यू यार, बाय। थैंक यू एवरीवन।